नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइट लाइव। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बुरी खबर है। तेलुगु फिल्म की जानी मानी एक्ट्रेस गायत्री उर्फ डॉली डिक्रूज के शुक्रवार को एक भीषण हादसे में उनका निधन हो गया। कार में उनके साथ एक दोस्त भी था। दोनों होली पार्टी मनाने के बाद घर लौट रहे थे। 26 साल की गायत्री को वेब सीरीज मैडम सर मैडम अंटे से पॉपुलैरिटी मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार गायत्री का दोस्त चला रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक गायत्री और उनके दोस्त होली पार्टी के बाद हैदराबाद के गाची बोवली से गुजर रहे थे। इस दौरान दोस्त कार चला रहा था और स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। इसी दौरान वो कंट्रोल खो बैठे और कार सीधे जाकर डिवाइडर से भिड़ते हुए पलट गई। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि गायत्री की मौके पर जान चली गई, जबकि उनके दोस्त अस्पताल में उनका निधन हुआ। इस भीषण हादसे के बाद फैंस के साथ ही तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी गहरे सदमे में है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गायत्री की कार सड़क पर पैदल जा रही एक 36 साल की महिला को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराते ही कार पलट गई और उसमें गायत्री काफी देर तक दबी रही। हादसे में सड़क पार कर रही इस महिला की भी जान चली गई थी। कार एक्सीडेंट में गायत्री के दोस्त को गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें पास के ही एक अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि गायत्री अपने यूट्यूब चैनल जलसा राइड की वजह से भी पॉपुलर थी। इसी की वजह से उन्हें वेब सीरीज मैडम सर मैडम अंटे का ऑफर भी मिला था। गायत्री उर्फ डॉली डिक्रूज कई शॉर्ट फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।